इस दिन मनाया जाएगा झारखंड का प्रमुख पर्व कर्मा। ये है शुभ मुहूर्त, ये है पूजा विधि और महत्व। दरअसल झारखंड के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है कर्मा पूजा। इस दिन बहन अपने भाई के लिए व्रत रखकर उसके दीर्घ आयु की कामना के लिए पूजा आराधना करती है। हर साल कर्मा पूजा भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। ज्योतिषीचार्य बताते हैं कि इस साल कर्मा पर्व 25 सितंबर को मनाया जाएगा। वही कर्मा पर्व सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, असम आदि राज्यों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि कब है कर्मा पर्व और इस बार क्या शुभ योग बन रहा है। तो देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषीचार्य पंडित नंदकिशोर के अनुसार हर साल कर्मा पर्व भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। वही इस साल 25 सितंबर को कर्मा पर्व का व्रत रखा जाएगा। कर्मा पर्व का मुख्य उद्देश्य होता है बहन अपने भाई की सुख समृद्धि के लिए एकादशी के दिन व्रत रखती है। इसके साथ ही अच्छी कृषि और प्रकृति से अच्छी फसल की कामना की जाती है। अब हम बात करते हैं कि क्या है शुभ मुहूर्त इस बार कर्मा में। तो कर्मा पूजा इस साल 25 सितंबर को मनाया जाएगा। वही कर्मा पूजा के दिन अहल सुबह 4 बजे के बाद व्रत का पालन शुरू कर दे। वही प्रदोष काल में 5:32 के बाद शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है जो पूरा रात भर है। वही अगले सुबह दिन सूर्योदय के बाद कर्मा पूजा का पारण दही खाकर कर ले। अब बात करते हैं कि कर्मा पूजा कैसे मनाया जाता है और कर्मा पूजा की क्या प्रक्रिया है। तो भादो की एकादशी को कर्मा पर्व मनाया जाता है। 9 दिन पहले पूजा के लिए टोकरियों में नदी का बालू रखकर उसे जो है सजाकर उसमें 60 प्रकार का अन्न बोया जाता है जो पूजा के दिन तक अंकुरित हो जाता है। कई जगहों पर यह प्रक्रिया 7 दिनों में तो कई जगहों पर 5 दिनों से यह प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे जावा फूल कहा जाता है। पूजा स्थानों को पत्तों फूलों से सजाया जाता है। पूजा में बैठने वाली व्रती स्नान कर शाम में नए वस्त्र धारण कर पूजा में शामिल होती है। शाम को ही कर्मा डाल को काटकर युवा लाते हैं। डाल का स्वागत पुजारी या उस क्षेत्र के पहान उसे विधि पूर्वक पूजा स्थान में स्थापित करते हैं। पूजा के साथ ही कर्मा धर्मा की कथा सुनाई जाती है। तत्पश्चात पूजा के बाद जावा फूलों को कान में खोसकर युवा युवती और भी अन्य लोग मांदर ढोल और नगाड़ा की धुन पर कर्मा गीतों पर सामूहिक नृत्य करते हैं और यह प्रक्रिया काफी समय तक चलता रहता है। झारखंड में पूरे धूमधाम से कर्मा पर्व मनाया जाता है। इस दिन जो है पूरे झारखंड में हर्षोल्लास का माहौल रहता है। लोग जो है मांदर ढोल की धुन पर नाचते हैं, थिरकते हैं और खुशियां मनाते हैं। तो झारखंड में कर्मा पर्व एक बहुत ही बड़ा पर्व है, प्राकृतिक पर्व है। यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व है। तो और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद। Oh, my God.